अध्याय दो, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रहती कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वे आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझ कर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियाँ चुनें।